पर भारी बारिश के बाद बाढ़ के हालात बने हुए हैं। कलेक्टर डॉक्टर सौम्या झा ने खुद रेड अलर्ट जारी किया है। जिले भर में 12वीं तक की स्कूलों की छुट्टी करनी पड़ी है। कलेक्टर ने 12वीं तक के छुट्टी की घोषणा की थी। बच्चों के लिए 6 अगस्त को सभी सरकारी और निजी स्कूलों में छुट्टी है। तो आपको बता दें कि जिले के नदी नाले तेज बहाव के साथ उफान पर हैं। पीपलू में जो है मासी बांध के सभी 5 गेट खोले गए और गेट खोलने के बाद भी बांध पर चादर चल रही। मालपुरा में सहोदरा नदी पूरे बहाव के साथ उफान पर है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहा है। बारिश से जो है कई जगहों पर हालात बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। आपको तस्वीर दिखा रहे टोंक की, ये तस्वीर है। 6 अगस्त को सभी स्कूलों में छुट्टी की घोषणा जो है वो कर दी गई है। मासी बांध के सभी 5 गेट भी खोल दिए गए हैं। 5 गेट खोलने के बाद जाहिर तौर पर जो निचले इलाके हैं, सटे हुए ग्रामीण इलाके हैं, वहां पर लगातार बाढ़ जैसे हालात बने हुए। आप देखिए जगह जगह वाहन पलटे हुए नजर आ रहे हैं। वाहन पानी के बीच तेज बहाव में फंसे हुए नजर आ रहे हैं। इन सब के बीच में एहतियातन कलेक्टर ने आज की भी छुट्टी की घोषणा कर दी है। कल तो छुट्टी कर ही दी थी और आज भी 12वीं तक के स्कूल बंद रहेंगे। तो प्रदेश भर में बारिश का दौर जारी है। कई जिलों में हालात बाढ़ जैसे हो गए हैं। मूसलाधार बारिश के कारण प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है और सभी जिलों में SDRF और दूसरी रेस्क्यू टीमों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। ये खास रिपोर्ट देखिए। कहीं गिरी छत, कहीं मकान धड़ा। बारिश में प्रशासन नाकाम। चारों तरफ तबाही के निशान। त्राहिमाम, त्राहिमाम, त्राहिमाम। सूबे में लगातार बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। जनजीवन प्रभावित हो रहा है। ऐसी ही कुछ तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। बूंदी, सवाई माधोपुर, टोंक और जैसलमेर की तस्वीरों को देखिए। बूंदी में गली में बह रहे पानी का प्रवाह देखिए। लग रहा है जैसे समंदर उमड़ आया है। पानी सबको अपने आगोश में समेटता चला जा रहा है। ये देखिए कैसे कार तिनके की तरह बह रही। तस्वीरें बूंदी की। सोमवार सुबह कुछ ऐसे ही नजारे देखने को मिले जिसे देखकर हर कोई दंग। घरों के बाहर सड़कों पर खड़ी गाड़ियां पानी के तेज बहाव को झेल नहीं पाई। वीडियो बूंदी के नागदी बाजार का। सोमवार सुबह लोग सोकर उठे भी नहीं थे कि शहर बाढ़ से घिर गया और गलियों में खड़ी कारें और बैंडबाजे खिलौनों की तरह बहने लगे। घरों के बाहर खड़ी कारें बाइकों के बहने से हड़कंप मच गया तो कई लोग इस नजारे को अपने मोबाइल में कैद करते नजर आए। ये जो मकानों में पानी भरा हुआ है, लोग जो परेशान है, लोग मकानों के अंदर बेसमेंट में पानी भरने से छतों पर जाने को मजबूर है। और पीड़ित लोगों का कहना है कि अभी तक प्रशासन द्वारा उनकी सुध नहीं ली गई है। इससे पहले भी जो हर साल जो बाढ़ के हालात बने रहते हैं, लोगों का कहना है कि जो दो दो तीन तीन दिन तक जो बाढ़ के हालात बने रहने से ये खाने पीने के लिए तरस जाते हैं। बच्चे जो छोटे बच्चे जो दूध के लिए तरस जाते हैं, लेकिन प्रशासन द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। क्षेत्र के पीड़ित लोगों का कहना है कि जो जयसागर जो इस कॉलोनी से जो नाला निकलता है, जयसागर नाला, उसका जो अतिक्रमण मुक्त करके उसकी चौड़ाई बढ़ाई जाए ताकि उसको जो लोगों को राहत मिल सके। इस संबंध में क्षेत्र के लोगों से जानते हैं कि आखिरकार इन समस्या का जो किस प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ रहा है आपको। हम मानते हैं कि रात जो बरसात हुई है वो बरसात मौसम के अनुकूल सब जगह हुई है, लेकिन पानी को निकासी नहीं मिलने का कारण अतिक्रमण है। इसमें कोई संशय नहीं है और पिछले 4 साल से हम लगातार इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। इन तस्वीरों को देखिए, छत से आसमान नजर आ रहा है। तस्वीरें सवाई माधोपुर के गंगापुर सिटी की। सोमवार को गंगापुर सिटी की रेलवे कॉलोनी में एक क्वार्टर की छत भरभराकर गिर गई, जिससे 3 लोग दब गए। गंभीर हालत में तीनों को रेलवे अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां से एक को जयपुर रेफर किया गया। घटना के बाद कॉलोनी के लोगों में दहशत। कागजी पूर्ति हो रही है, प्रैक्टिकल काम कुछ भी नहीं हो रहा है और ठेकेदारों ने इतने घटिया मटेरियल का उपयोग किया है। इसमें मिट्टी के अलावा कुछ दिख ही नहीं रहा है। इसलिए अधिकारियों से निवेदन है कि सब क्वार्टरों को एबंडेड करके कर्मचारियों को जान बचाने के लिए, अगर रेलवे क्वार्टर नहीं है तो किराए पर रह लेंगे इससे अच्छा तो, लेकिन यहाँ तो जान का जोखिम है। यही घटना दो साल पहले टूंडला में हुई थी। तो वहीं टोंक जिले में रात भर भारी बारिश हुई।
सोमवार की सुबह कई जगह पर मौसम साफ हो गया तो कई जगह हल्की बारिश हुई, जिससे जनजीवन खासा प्रभावित रहा। देवली रोड पर स्कूल परिसर में पानी की निकासी के पर्याप्त व्यवस्था नहीं होने से एक फीट तक पानी भर गया। देवली रोड पर ये एक कॉलोनी है जहां पर पूरी तरह से ये कॉलोनी है जलमग्न हो गई है। बारिश है वो लगातार होने के बाद लोगों को यहाँ घुटने से भी ज्यादा पानी के बीच में से होकर गुजरना पड़ रहा है। ये एक स्कूल है, स्कूल में पूरी तरह से नीचे पानी भरा हुआ है और स्कूल में आने जाने वाले लोगों को भी घुटनों तक पानी के अंदर से होकर गुजरना पड़ रहा है। क्या स्थितियाँ हैं, लोगों से बात करते हैं, बारिश के दिनों में क्या किस तरह की स्थितियाँ हैं? नमस्कार, यहाँ पे स्कूल चलाना संभव नहीं हो पा रहा है। जैसे कि पीछे से जो अच्छी रेजिडेंशियल कॉलोनी है वहाँ के पानी का सही निकास ना होने के कारण सारा पानी इधर की तरफ आ जाता है। तो वहीं स्कूल परिसर में पानी भरने की ये तस्वीरें उस जैसलमेर के समगांव से आई है जो अपने रेत के टीलों की वजह से दुनिया भर के सैलानियों को आकर्षित करता है। बहरहाल भारी बारिश की वजह से स्कूल के कुछ कमरे गिर गए हैं तो पाली और सोजत में बाढ़ जैसे हालात देखने को मिल रहे हैं। सड़कें जलमग्न हो गई, कई मोहल्लों में घरों में पानी घुस गया। बाड़मेर और बालोतरा जिले में ऑरेंज अलर्ट के बीच रुक रुक कर तेज बारिश का दौर जारी है। कल्याणपुर और समदड़ी में रात से रुक रुक कर बारिश के बाद जगह जगह पानी भर गया। खेतों और घरों में पानी भरने से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं बारिश के कारण जगह जगह रास्ते बंद हो गए हैं, नदी नाले उफान मारने लगे, स्कूल बंद कर दिए गए, पानी के सैलाब के आगे लोग बेबस हैं। ये तस्वीरें केकड़ी की हैं। यहाँ पर भारी बारिश के बाद एसडीआरएफ ने मोर्चा संभाल लिया है। आशंका को देखते हुए एसडीआरएफ के जवान जलभराव वाले इलाकों से लोगों को समझा बुझा कर बाहर निकाल रहे हैं। तो वहीं सोमवार तड़के जोधपुर में भी भारी बारिश के कारण एक दिल दहला देने वाली घटना में एक फैक्ट्री की दीवार ढह गई, जिससे 3 लोगों की मौत हो गई और 9 घायल हो गए। ये घटना बुरानाडा में सुबह करीब 3 बजे हुई, जब न्यू महालक्ष्मी फैक्ट्री की दीवार अचानक ढह गई। दीवार के पीछे बने टिन शेड में रह रहे मजदूर हादसे का शिकार हो गए हैं। वहीं सांगरिया फाटा के पास जमीन धंसने से बने गड्ढे में एक सांड गिर गया। घर और दुकान पानी में डूबे हुए हैं। गली मोहल्लों में भरे पानी की वजह से लोग घरों में कैद हो गए हैं। प्रशासन जगह जगह रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहा है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवान पानी में फंसे लोगों को निकालने में जुटे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18, राजस्थान।